आस्क वेस्टी वेस्टी की सीरीज में आज होगा दूसरे सवाल का जवाब कल मैंने पहले सवाल का जवाब दिया था जो था मिली बग की समस्या को लेकर मिली बग एक ऐसी समस्या जो हम में से हर एक की होती है एक नहीं दो नहीं पूरे दस दस ऐसे घरेलू तरीके बताए थे जो आपने अगर एक बार देखे तो दोबारा कभी मिली बग के ऊपर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी वीडियो नहीं देखा तो लिंक यहाँ ऊपर दे रही हूँ वीडियो पूरा देखिएगा आपकी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा एक वीडियो से आज दूसरा सवाल है गगन जी का स्पाइडर प्लांट को इंडोर एसी रूम में रख सकते हैं क्या पत्ते पीले पड़ रहे हैं ज़्यादा पानी की वजह से या कम पानी की वजह से नमस्कार बेस्टी बेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ आज के इस दूसरे अहम सवाल के साथ स्पाइडर प्लांट एक बहुत खूबसूरत सा अपना हाउस प्लांट जिसको हम लोग एक एयर प्योरीफायर के तौर पर लगाते हैं और खूबसूरत तो इतना कि बस दिल खुश हो जाता है एक प्लांट आपने एक बार लगाया तो अगले साल तक हजारों बच्चे इसके पैदा हो जाते हैं न जाने कितने अनगिनत संख्या में इसके बच्चे निकलते हैं और केयरिंग एकदम से जीरो कह सकते हैं बहुत कम पानी की ज़रूरत बहुत कम धूप की ज़रूरत और बस क्या कहूँ बहुत आसानी से लगने वाला बहुत खूबसूरत सा पौधा कुछ पौधे दिखाती हूँ इधर बालकनी में, में मेरे पौधे टंगे हुए हैं जहाँ पर धूप लगती है और ये जो बास्केट आप देख रहे हैं इस बास्केट में तो कुछ ज़्यादा ही धूप लग रही है अब इसका मुझे थोड़ा सा अड्डा बदलना पड़ेगा अभी गर्मियाँ बढ़ रही हैं तो थोड़े से इसके पत्ते भी किनारे से काले होने शुरू हो गए ये पौधा जहाँ पर रखा है वहाँ पर सुबह की लगभग आधे घंटे की उगते सूरज की धूप लगती है और यही कारण है कि ये पौधा बहुत हरा भरा रहता है बहुत सारे यहाँ पर नन्हे मुन्ने छिपे हुए बीच बीच में बस जगह की कमी के चलते सारे कुछ इधर उधर घुसा के रखती हूँ वरना अगर फैला के रखती तो यहाँ पर आपको बहुत सारे पौधे दिख जाएंगे यहाँ पर भी छोटे छोटे बहुत सारे पप्स निकल रहे हैं तो लोकेशन जो मैंने पहले बास्केट दिखाई उसमें बहुत ज़्यादा धूप लग रही है इसमें बहुत हल्की लग रही है और एक यहाँ पर ये यह देखिए जूते में लगा है और यहाँ पर भी ना बहुत ज़्यादा समय तक की धूप लग रही है किनारे से पत्ते आप काले देख रहे होंगे ये ज़्यादा धूप की वजह से ये देखिए सारे जो आसपास प्लांट्स रखे हैं ये सारे परमानेंट हैं अपने धूप वाले पौधे और इन्हीं धूप वाले पौधों के झुरमुट में एक यहाँ पर मैंने टांग रखा है और ये सारे मैं अलग अलग लोकेशन के इसीलिए आपको दिखा रही हूँ जिससे कि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि ये पौधा आपका ब्राइट लाइट में भी जिंदा रहेगा बहुत कम धूप में भी जिंदा रहेगा और बहुत ज़्यादा धूप में भी ज़िंदा रहेगा बस थोड़ा सा इसका जो पौधे का रंग रूप है ना वो चेंज हो जाएगा धूप और छाया के हिसाब से ये देखिए यहाँ पर भी सुबह की बस आधे घंटे की मुश्किल से उगते सूरज की धूप लगती तो देखिए पौधा कितना हरा भरा है ज़्यादा धूप में रहेगा तो इसके पत्ते हल्के से पीले हो जाते हैं और किनारे से बर्न होने शुरू हो जाते हैं है ना और जब पानी की हम लोग बात करते हैं तो पानी तभी देंगे जब इसकी ऊपर से मिट्टी आपको सूखी दिखाई देगी हाँ अभी गर्मी का मौसम है तो ऊपर से आप पानी का छिड़काव कर सकते हैं पौधों में मिस्टिंग कर सकते हैं पर अगर मिट्टी गीली है तो मिट्टी में पानी मत दीजिए हल्का हल्का पत्तों में छिड़काव कर दीजिए अब बात करते हैं कि क्या इस पौधे को हम लोग ए रूम में रख सकते हैं तो हाँ अपना इंडोर प्लांट है हाउस प्लांट है तो आप इसको ए रूम में रख तो सकते हैं पर आप ये भूल जाइए कि आपने एक बार एसी रूम में रख दिया उसके बाद आप भूल गए कि इस पौधे को बाहर की हवा और धूप भी दिखानी है अगर आपने एसी रूम में रखा है तो आप कम से कम हफ्ते में एक दिन इस पौधे को बाहर निकालेंगे पूरा दिन इसको ब्राइट लाइट में रखेंगे और कम से कम एक से डेढ़ घंटे की सुबह की या शाम की हल्की धूप मिलेगी तो आपका पौधा बहुत स्वस्थ रहेगा दुनिया का कोई भी पौधा ऐसा नहीं है जो कंप्लीटली इनडोर हो आपने उसको बाहर की हवा और धूप से वंचित रखा और वो पौधा आपका बहुत अच्छे से ग्रो करे ऐसा मुश्किल है जो पौधे अंदर रखे होते हैं उनके लिए भी हमें आर्टिफिशियल लाइटिंग की व्यवस्था करनी होती है तो ही पौधे सर्वाइव कर पाते हैं तो मेरे ख्याल से मैंने आपकी समस्या सुलझाने की पूरी कोशिश करी अब आपकी जिम्मेदारी बनती इस वीडियो को शेयर करने की जिससे कि आपके साथ साथ किसी और के मन में भी ये सवाल हो तो उनको भी उनके सवाल का जवाब मिल जाए और जाते जाते वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा सब कुछ है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फिर से मिलती हूँ तब तक के लिए धन्यवाद